ये हमने ये डिजाइन डाला है, दो रंग की ऊन का है और अति सुंदर है। इसे बच्चों को स्वेटर में डालें। अभी कैसे बनता है ये मैं बता रही हूँ आपको। तीन फंदे उल्टे बुन ले, तीन छह फंदे उल्टे बुननी है। ये छह फंदे, तीन फंदे इस तीखे सफेद वाले के बुनने, एक दो तीन। देखिए छह फंदे, एक दो तीन चार पांच छह, ये सात फंदे, ये तीन फंदे सफेद, तो तीन बाकी के फंदे मैरून रंग के। उल्टी सिलाई, बिल्कुल उल्टी बुननी है। मैरून में मैरून बुनना है और सफेद में सफेद। ये सफेद हो गई, अभी इसमें सारे मैरून बुनने। फिर सीधी सिलाई, ये बन गए। फिर सीधी सिलाई करें, एक दो तीन चार पांच फंदे बुने। ये जो तीन फंदे हमने सफेद बुने में है, इस मैरून वाले में सफेद बुने, एक दो ये तीन। पीछे को हो गया है ये हमारा सफेद फंदा, अब ये इस वाले को मैरून बुन ले। ये सब मैरून बुनने हैं। फिर एक फंदे में मैरून फंदा जो बचा, एक उसमें से सफेद फंदा करें, तीन फंदे, एक तीन, बाकी मैरून बुन लें। उल्टी सिलाई, सारी उल्टी बुननी है। मैरून में मैरून और सफेद में सफेद ही बुनना है। ये हमने अभी चार सिलाई करी है, अभी दो सिलाई ऐसी ही और होगी। मैरून में मैरून और सफेद में सफेद ही बुने। ये सफेद है, ये तीन फंदे सफेद ही बुने।
इस तरह बन रहे। उल्टी सिलाई जैसे पूरी उल्टी करनी है, जब मैरून में मैरून और सफेद में सफेद। ये सभी धागा है, तो सभी दिगुन है। बाकी सारे मैरून बुने। अब ये हमारा ये इस तरह बन गया, ये सी का आकार आ गया है। अभी इससे मैरून बुने। अब हमने जो ये फंदा हमने पीछे को लिया था, हाँ ये सफेद वाले फंदे को मैरून बुनना है। अब ये दो फंदे बचे हैं सफेद, इसे तीन फंदे करने हैं, एक दो, और ये मैरून वाला फंदा है इसे इसे सफेद करना है। इतना हो गया, बाकी ये मैरून करने हैं। ये भी सफेद होना है, एक दो ये तीन। उल्टी से लाई पूरी उल्टी, जैसे मैरून में मैरून और सफेद में सफेद। ये हमने ये रिजाइन पूरा हो गया हमारा। अब इसके ऊपर, अब इसके ऊपर हम मैरून प्लेन बुनेंगे। पूरी सिलाई मैरून बुन लें और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी। ये हमारा डिजाइन बन गया है। ये शुरू में हमने ये तीन फंदे लिए थे मैरून बना, पांच फंदे मैरून के लिए थे, तीन फंदे सफेद लिए, छह फंदे मैरून, ये तीन फंदे सफेद और बाकी छह फंदे इस मैरून के भी। इधर उल्टी सिलाई हमने पूरी बुनी है, सीधी सिलाई में एक फंदा हमने इधर का ले लिया सफेद, ये तीन फंदे ही रखे हैं पीछे को लेकर के, फिर मैरून बुनी है, फिर इधर से एक फंदा आप मैरून का लिया सफेद में और इधर सफेद में मैरून कर दिया है। फिर तीन सिलाई हमने ये वाली निकाली है, फिर उसके बाद सीधी सिलाई में यह यहाँ का हमने सफेद मैरून बुन दिया, यहाँ से हमने सफेद लिया,
इस तरह ही हमारा सीख का आकार बनना है रीजन।